अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार को होटल स्वरूप विलास में विधानसभावार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए सेक्टर प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बंद कमरे में अलग अलग करके प्रभारियों की बैठक ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर अलवर में सेक्टर प्रभारी लगाए गए हैं, जो अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को जानेंगे, वहां उनसे ज्ञापन भी लेंगे। जिले भर में लाखों लोग ज्ञापन जिला कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, जिसे कांग्रेस कमेटी प्रधानमंत्री को सौंपेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलवर जिले में जनता अनेक समस्याओं से जूझ रही है, यहां तक कि लाइन ऑफ ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, जिसको लेकर सभी सेक्टर प्रभारी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जो हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा माननीय ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उसके साथ साथ संगठन का विस्तार हुआ है, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कहीं 5 कहीं 6 ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं। उनका सबसे पहला कार्य ये होगा कि मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत जनता के बीच में जाएंगे, हर वार्ड के अंदर हर बूथ के ऊपर मीटिंग होगी और उस मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन भरवाया जाएगा जनता से कि अलवर के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसके विरोध में अलवर में मिनी सेक्रेटेरिएट, ESI मेडिकल कॉलेज, चंबल का पानी, रोजगार, पेट्रोल डीजल की कीमतें कमर तोड़ महंगाई, नगर परिषद की जो सुविधाएं या जो व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं उसके विरोध में ज्ञापन, लाखों लोग ज्ञापन भरेंगे, सिर्फ अलवर शहर में ही नहीं लेकिन पूरे जिले के अंदर किसानों के साथ जो एक तरह से किसान दुखी है, लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन जिले के अंदर खराब हो चुकी है उसके विरोध में ये कार्यक्रम चलेगा और लाखों लोग अलवर के लोग ज्ञापन भरेंगे और वो हम प्रधानमंत्री जी के पास और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाएंगे। वहीं कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शी तरीके से सरकार का गठन करवाया है। वहीं राज्यपाल द्वारा जिस तरह बीजेपी के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया था उसको लेकर भाजपा की कथनी और करनी सामने आई है, जिसको लेकर राज्यपाल के निलंबन की भी मांग की जाएगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कर्नाटक की जनता की जीत हुई है और एक तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया था, आज वापस डेमोक्रेसी की जीत हुई है और पूरे देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। और जिस तरह से कर्नाटक में राज्यपाल जी का जो पूरा रोल रहा है इसके अंदर, उनने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, तो इतने बड़े एक संवैधानिक पद पर रहते हुए किस तरह के राज्यपाल ये नियुक्त कर रहे हैं ये जनता के सामने आया है। हम सब मांग करते हैं कि तुरंत उनको राज्यपाल पद से हटाया जाए।